हर शख्स के लिए उसकी शादी हमेशा खास होती है। वो इस पल को हमेशा अपनी यादों में कैद करके रखता है। लेकिन क्या आपको पता है कि चीन में एक ऐसी जगह भी है जहां लोग अपने घर के कुंवारे लड़कों की शादी मृत लड़कियों की लाश से करवाते हैं। जी हां, ये हिलाने वाली अनोखी परंपरा है चीन की, जहां के कई पिछड़े इलाकों में इस तरह की अजीबोगरीब शादी का प्रचलन है। इस भयानक शादी में किसी कुंवारी लड़की की लाश को कब्रिस्तान से निकालकर शादी के मंडप तक लाया जाता है, उसे दुल्हन की तरह सजाया जाता है और फिर किसी कुंवारे लड़के से उसकी शादी करवा दी जाती है। यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो लड़के की मौत के बाद उसकी कब्र के बगल में अगर किसी शादीशुदा महिला की कब्र बना दी जाए तो अगले जन्म में लड़का कुंवारा नहीं रहता। ये प्रथा चीन में पिछले 3000 सालों से चली आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह की शादी के लिए मृत लड़कियों के शव की कीमत लगाई जाती है। हाल ही में एक मृत लड़की के परिजनों ने इस शादी के लिए लड़के वालों से करीब 1,80,000 युआन यानी करीब 18 लाख रुपए लिए थे। हालांकि चीन की सरकार ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी लोग चोरी छिपे इस तरह की शादी को बढ़ावा दे रहे हैं। इंडिया न्यूज़ वैल्यू की रिपोर्ट।